अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लौकी और चने की दाल की कबाब की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो उसके लिए मैंने देखिए 1 kg जो है वो लौकी लिए मैंने लिया और इस तरह रफली मैंने मोटा मोटा सा इसे चॉप कर लिया है। अब इसमें हम दाल डालेंगे चने की, जो मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो के रखी हुई है। इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 कप के जितना चने की दाल है, ये 1/2 कप था और इसको मैंने 2-3 घंटे पहले से भिगो के रखा हुआ था। ये अच्छी तरह सोख हो चुका है, तरह इसका कुकिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अब हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ज़ीरा मैंने लिया है 1 teaspoon, 1/2 teaspoon मैंने लिया है ब्लैक पेपर कॉर्न्स, काली मिर्च 4 से 5 मैंने लाल सूखी मिर्च ली है, 2 टुकड़ा है ये सिनेमन स्टिक का, दालचीनी का, 1 काली वाली इलायची है, इसका मुँह मैंने खोल लिया है, 6 जवे का उसके लहसुन के हैं, 1 teaspoon लिया है मैंने धनिया का, होल धनिया है ये साबुत, और ये 3 से 4 तेज़पत्ते। तो बस इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे इसमें। 1 teaspoon मैंने नमक डाल दिया है। लग रहा होगा ये लौकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये गल के बहुत कम हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ पानी होता है। जब पानी ड्राई हो जाएगा इसका तो इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाएगी। 1/2 teaspoon मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि अभी जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा इसका पानी खुद रिलीज़ होगा लौकी का, तो बस बिल्कुल ज़रा सा पानी डालना है। ये 1/2 कप की जितना पानी मैंने डाला है, तो अब इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। तो देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया, इसे कवर करके रख दिया है। अब इसे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, चलाते रहेंगे ताकि पानी कम ना पड़े और नीचे से ये चिपके ना। तो देखिए ये लौकी और दाल जो है बहुत अच्छी तरह गल चुका है। लौकी तो बिल्कुल ऐसे टूट रहे देखिए, और दाल भी जो है हमारा वो भी अच्छा सा गल चुका है, ये चूर इस तरह हो रहा है। तो अब इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है अभी, तो उसका पानी मैं ड्राई कर देती हूँ। फ्लेम इसका मैंने फुल कर दिया है बिल्कुल, और इसका जो भी वाटर एक्स्ट्रा है वो जितना भी है सबको ड्राई करना है। ड्राई करके इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए इसका जितना भी पानी था वो सब बिल्कुल ड्राई हो चुका है अच्छी तरह, अब बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये सारी चीज़ें गल भी गई हैं। तो बस इसे अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ठंडा होने का, और ये जब ये चीज़ें सारी ठंडी हो जाएंगी फिर इसका जो तेज़पत्ता वगैरह हम इसे निकाल के फेंक देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए लौकी, चने की दाल और सारे मसालों को मैंने बहुत अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, और इसमें जो भी इससे ठंडा पहले मैंने किया उसके बाद जितने भी साबुत गर्म मसाले थे, बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ते, मैंने उन सबको निकाल दिया। बाकी सारी चीज़ों को मैंने उसी में रहने दिया, और इसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं, ये दरदरा सा कहेंगे वैसा मैंने बना लिया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे जो बाइंडिंग के लिए मुझे चाहिए। ये 1 कप ब्रेड क्रम्ब है, ये मैं डाल दूँगी। तो मैंने ब्रेड क्रम्ब डाल दिया। अब मैं डालूँगी इसमें, देखिए 1 प्याज था बड़ा सा, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, जैसे ऑमलेट कट में काटा है मैंने, जैसे ऑमलेट में डालते हैं। हरा धनिया 1/2 कप है। ये 3 से 4 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ का कर सकते हैं। ये अदरक का टुकड़ा था 1 इंच का, मैंने उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब वो सब डाल देंगे हम इसमें। हम 1 teaspoon डाल देंगे गर्म मसाला पाउडर। जो मैंने इसमें नमक चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें। ये मैंने उस वाइट सॉल्ट डाला था जो सी सॉल्ट में रेगुलर आता है, अब मैं ये पिंक सॉल्ट डाल दूँगी, ये जो ब्लैक सॉल्ट वाला पाउडर। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, और इसको मैंने टेस्ट किया, नमक मिर्च वगैरह बिल्कुल सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आप चेक कर करके आप अपनी मर्ज़ी से आपको हर चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको हम इतना मैंने एक पोर्शन ले लिया, अब इसको हम कबाब की शेप में बना लेंगे। देखिए इस तरह हम कबाब सारे जितना भी है सबका हम इस तरह बना लेंगे, बना के फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए मैंने इस तरह से कबाब बना लिए हैं, अब इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है, अब मुझे शैलो फ्राई करना है बहुत ज़्यादा, इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, कबाब को पहले मैंने एक प्लेट में ये क्रम्स मैंने निकाल लिया है, और ये इसको हल्का सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा मैंने इसमें लगा दिया ताकि ये जो कबाब है वो बीच से टूटे ना, बहुत अच्छा सा बनेगा ये क्रिस्पी सा। देखिए बस इस तरह हमने एक बार कोट कर लिया लाइटली। अब इसे हम सारे कबाब्स को पैन में डालते जाएंगे। देखिए इस तरह मैंने जितना आया एक बार में मैंने डाल दिया इसमें,
अब इसे हम हर दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखिए ये एक तरफ से बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका था तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया। दूसरी साइड से भी हम इस तरह ही फ्राई कर लेंगे, फिर इसे हम निकाल लेंगे और इसे शैलो फ्राई करें जब ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। अगर हो सकता है डीप फ्राई में टूट भी सकता है। जब आप इसका बैटर ग्राइंड करते हैं तो अगर आपको लगता है कि ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आप, थोड़ा सा गीला गीला सा ज़्यादा है, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स वगैरह ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा और डाल दीजिए, तो उसके लिए कोई वो नहीं है। मैंने एक कप डाला है, मेरा आराम से हो गया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती, मुझे लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, कबाब नहीं बन रहे, तो मैं थोड़ा सा और उसमें हाफ कप तक जितनी भी ज़रूरत थी मैं ऐड कर सकती थी, लेकिन मेरा एक कप में ही हो गया और मैंने बस कोटिंग करके फिर फ्राई किया है, तो उससे भी सही हो गया। तो आप इस तरह अपना ऐड कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स वगैरह का। हमारे कबाब जो वो दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। हमारा लौकी और चने की दाल का कबाब बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसे आप चटनी, किसी भी चटनी या फिर केचप के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी।